हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सेवक सिंह और आप देख रहे हो मिस्टर सेवक मैकेनिकल चैनल। आज की दोस्तों जो वीडियो है वो है ऑटोमेटिक गैस स्टोव के बारे में। इसमें दोस्तों क्या प्रॉब्लम है कि ये जो दोनों बर्नर है ये चलते हैं, लेकिन ये वाला जो बर्नर है ये नहीं चलता। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये छोटे वाला और उससे छोटे वाला, लेकिन ये नहीं चलता। अगर हम इसको लाइटर या किसी माचिस की तीली से चलाएंगे तो चलेगा, लेकिन ऑटोमेटिक ये नहीं चलता। तो इसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो हम देखेंगे और रिपेयर करेंगे। ये देखें, ये इसकी जो लो है वो कम ज़्यादा हो रही है, लेकिन अपने आप नहीं चलता। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये बर्नर है वो हम साइड में रख देते हैं और जहाँ से रेगुलेटर को बंद कर देते हैं, और उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम है। पर जो मैंने लाइट है वो बंद कर दी है, क्योंकि जहाँ पर जो स्पार्क है वो आपको नहीं दिखेगा ज़्यादा लाइट में, जैसे कि इसके अंदर ही लाइटर होता है। आपको जहाँ पर छोटी सी चिंगारी दिख रही है जिसके द्वारा इसको आग लगती है गैस को, तो ये जो छोटा बर्नर है इसकी जो चिंगारी है, इसका जो लाइटर है वो सही है। ये देखिए, यह भी सही है, जो सबसे छोटा बर्नर है यह भी सही है, लेकिन जो ये सबसे बड़े वाला बर्नर है इसका जो लाइटर है वो काम नहीं कर रहा। ये रहा इसका लाइटर, इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले हमको यह वाली जो प्लेट है, दोनों या तीन, तीनों को हम खोलेंगे, क्योंकि इसके बाद जो इसके ऊपर ग्लास है वो फिर अलग हो जाएगा। तरह से यह वाला भी हम खोल देते हैं। यह ग्लास दोस्तों हम अपनी सेफ्टी के लिए उतार रहे हैं, क्योंकि रिपेयर करते समय गैस स्टोव को हम उल्टा सीधा करेंगे तो हो सकता है ग्लास टूट ना जाए या इसके ऊपर स्क्रैच ना आ जाए, इसलिए हम ग्लास उतार कर साइड में रख देंगे। पहला कारण ये है। दूसरा कारण ग्लास उतारने का ये है कि हर रोज़ तो हम इसको साफ़ नहीं कर सकते, तो अब हम जब इसको सर्विस कर रहे हैं, इसकी साफ़ कर रहे हैं, तो हम इसको अच्छी तरह से साफ़ सफाई अंदर से कर सकते हैं। ये दो कारण करके हमने ये ग्लास उतारा है। अगर आपने ग्लास नहीं भी उतारना तो कोई बात नहीं, क्योंकि यह देखें इस साइड में इसके दो पेच लगे हुए हैं। अभी दिखाता हूँ आपको। तो आपने सिर्फ दो ये जो पेच है पेचकस की मदद से खोल लेने हैं, यह वाले जो दोनों पेच है बस। तो ये काम आप ये ग्लास उतारे बिना भी कर सकते हो। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या कारण था ग्लास उतारने का। और ये दो स्क्रू, उसके बाद नॉब, अगर नॉब के अंदर कोई पेच लगा हुआ है तो आप उसको खोल दो, अगर नहीं पेच लगा तो वैसे ही नॉब जो बाहर निकल आती है आसानी से। तो ये काम कोई भी कर सकता है, घर की गृहिणी भी कर सकती है। आप सिंपल, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको 10 मिनट लगेंगे ये काम करने में। ये दोस्तों वाल्व है पूरे का पूरा, और इसके अंदर ही लाइटर लगा है। लाइटर कहाँ पर लगा है मैं अभी आपको खोल कर दिखाता हूँ। इसका जो वाल्व है वो सही है, लेकिन इसका जो लाइटर ख़राब होने के कारण हम ये पूरे का पूरा असेंबली ही
नहीं लगा देंगे इसकी। ये आपको 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक बाज़ार में मिल जाती है। अगर आपका जो गैस स्टोव है स्टील वाला है पूरे का पूरा, उसके लिए असेंबली अलग है। अगर आपके गैस स्टोव के ऊपर इस तरह ग्लास लगा हुआ है तो इसकी असेंबली अलग होती है, वो आपको बताना पड़ेगा। या ऐसा भी कर सकते हो, आपके यह असेंबली खोलकर दुकानदार के पास ले जाओ तो वो आपको सेम असेंबली दे देगा इस तरह की। ये देखो दोस्तों, ये नई असेंबली है। आपने ये पुरानी वाली असेंबली खोलकर नई असेंबली इसमें लगा देनी है, बस इतना काम है। और इसके अंदर लगाते समय इसके अंदर एक रबड़ रिंग होता है, वो आपने लगाना है। जब आप पहले वाला खोलोगे ना, जो मैंने पहले आपको दिखाए थे दो पेच पाइप से जहाँ से गैस इन होता है, वहाँ पर हमने दो खोले थे पेच, उसके बाद एक रबड़ रिंग होता है, वो आपने ज़रूर लगाना है, क्योंकि अगर वो नहीं लगाया तो आपकी जो गैस है वो लीक हो जाएगी। यह वाला रबड़ रिंग है और इसके ऊपर आपने यहाँ पर फिट कर देना है, बस। इसमें यही एक सावधानी है कि आपने रबड़ रिंग लगाना है, अगर ये नहीं लगाया तो फिर ये काम खतरनाक हो सकता है। बाकी दोस्तों काम आप बिल्कुल आसानी से सिंपल तरीके से कर सकते हो। उसके बाद इस तरह से आप इसको असेंबली को फिट कर देंगे। ये दोस्तों ऑटोमेटिक गैस स्टोव है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं लाइटर की चिंगारी निकलती है और उसके बाद अपने आप ये आग पकड़ लेता है, बस इसीलिए इसको ऑटोमेटिक गैस स्टोव बोलते हैं। और सबसे पहले जो नॉब के नीचे प्लेट लगी है, हम उसके दोनों स्क्रू कस देंगे। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, जो रबड़ रिंग है वो आप जब पुराना खोलोगे ना, यह वाला जो वाल्व है, तभी कई बार ऐसा होता है कि हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते तो वो नीचे गिर जाता है। तो खोलते समय ही आपने ये देख लेना है कि यह जो रबड़ रिंग है ये कहीं गुम ना हो जाए। अगर गुम हो जाता है तो आप दुकानदार से नया रिंग लेकर आओ, क्योंकि इसको रिंग के बगैर नहीं चलाना। तो यह जो दोनों पेच है इसको बहुत अच्छी तरह से कस देना है आपने, बहुत अच्छी तरह से। लो जी, और जो हमारा गैस स्टोव है ये सही हो चुका है, बस इतना ही काम था। इसके बाद जो इसकी नॉब वगैरह है वो लगा देंगे, और जो ग्लास हमने उतारा था वो इसकी साफ सफाई करने के बाद हम लगा देंगे। तो हमारा जो गैस स्टोव है ये ओके हो चुका है। इसके बाद मैं आपको इसको चलाकर दिखा दूंगा। ये दोस्तों टफन ग्लास इसको बोलते हैं, कि जो ग्लास जल्दी ना टूटे, टेम्पर किया हुआ ग्लास होता है ये, इसलिए इसको टफन ग्लास बोलते हैं, टेम्पर ग्लास को, क्योंकि यहाँ पर आग रहती है हर समय, तो गर्म होने की वजह से कई बार गर्म ग्लास के ऊपर अगर पानी गिर जाए तो ये तुरंत टूट सकता है, इसीलिए यहाँ पर टफन ग्लास लगाया जाता है। अभी हमने इसको बिल्कुल सब कुछ लगा दिया है, तो सबसे पहले हम इसी को ऑन करते हैं जिसका हमने ये वाल्व नया डाला था, और ये दो नंबर जो सबसे छोटा था, और यह मीडियम तीन नंबर वाला। तो जो तीनों बर्नर है हमारी ओके है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर आपको और भी इसी तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, हम उसके ऊपर आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले समय में आपको इस तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने को मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका
बहुत बहुत थैंक यू।